ये जितने भी कोन आपको दिख रहे हैं, ये हमने सिर्फ एक साधारण से कागज में एक गोला काट कर बनाया है। सारे ही कोन मतलब अलग अलग कागजों से बनाए, लेकिन सब कागजों का साइज एक जैसा ही था। 10 सेंटीमीटर का ये सर्कल हमने गोला काटा था। अब जैसे जैसे आप देखिए, ये धीरे धीरे ये जो कोन है इनका गोला छोटा होता जा रहा है और ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये सब हमने कैसे बनाया, इसमें से थोड़ा सा सर्कल का एक टुकड़ा काट दिया। जैसे जैसे हम बड़ा बड़ा टुकड़ा काटते गए, वैसे वैसे ये गोला छोटा होता गया लेकिन ऊंचाई बढ़ती चली गई। और अगर बिल्कुल ही फ्लैट था तो ये बिल्कुल ऊपर उठता ही। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, किस में सबसे ज़्यादा, अगर हम मिट्टी भरेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में मिट्टी आएगी? ये वाले सारे कोन छोटे लग रहे हैं, तो हम अपना ध्यान इन वाले कोन की तरफ देंगे जो ये थोड़े से बड़े हैं, दिखने में बड़े लग रहे हैं। सबसे पहले हमने उठाया ये वाला कोन जो 180 डिग्री का सेक्टर कारने से बना था। इसमें हमने रेत भरी और देखा, अब देखेंगे कि ये वाली रेत, और ये हमने दूसरे डब्बे में डाली। अब हम इसको जब 210 डिग्री वाले कोन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें और ज़्यादा रेत आ गई। इसका मतलब 210 डिग्री का कोन 180 से ज़्यादा बड़ा है। अब फिर से ये रेत हम 240 डिग्री वाले कोन में डालेंगे और फिर से हमने देखा कि इसमें और रेत आ सकती है। तो इसका मतलब 240 डिग्री के कोन का घन यानी वॉल्यूम 210 वाले से ज़्यादा है। अब फिर से यही चीज़ हम 300 वाले में डालते हैं, 300 सेक्टर के कोन से जो बना है, और अब देखते हैं कि हम इसमें और भी रेत आ सकती है। तो यानी कि अभी तक 300 डिग्री के सेक्टर से जो कोन बना था उसमें सबसे ज़्यादा रेत आई, उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अब ये रेत हम 330 डिग्री वाले कोन में भरने की कोशिश करते हैं, वो कोन जो 330 डिग्री के सेक्टर से बना था। और हमने देखा कि ये थोड़ी ही रेत डालने पर भर गया और 300 डिग्री वाले कोन की थोड़ी सी रेत बची हुई है। इसका मतलब 330 डिग्री पे जो कोन था वो 300 डिग्री के कोन से उसका वॉल्यूम कम है। और ये बात ठीक ही है, क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल और बढ़ता जाएगा 360 डिग्री पर जाके तो बिल्कुल कागज चपटा हो जाएगा, यानी कोन की हाइट ज़ीरो हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हाइट घटी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता गया, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ता गया कोन का वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता गया। 300 डिग्री के पास जाकर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और फिर वहाँ से घटना चालू हो गया। 300 डिग्री के कोन का वॉल्यूम ज़्यादा था और जब हम 330 पर पहुँचे तो वहाँ वॉल्यूम कम हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक ही सर्कल से बने हुए विभिन्न कोनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उस कोन का था जिसका सेक्टर 300 डिग्री का था।